वॉचिंग एच बी टीवी युवा, क्योंकि जमाना है वीदा यंगस्टर्स का एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो खाते रहो, जहां हम आपको लेकर जाते हैं जयपुर के फेमस फूड सेंटर्स और पहुंचाते हैं आप तक वहां का जायका। फूडीज आज खाते रहो की टीम आप पहुंची है सागर रत्न रेस्टोरेंट, जो कि लोकेटेड है रिद्धि सिद्धि पर। फूडीज आज के हमारे कुजीन में कुछ अलग है। जी हाँ, आज के हमारे कुजीन में है साउथ इंडियन स्पेशल। साउथ इंडियन फूड का नाम आते ही हम जैसे फूडीज के मुंह में आ जाता है पानी, क्योंकि वो होता ही इतना यम्मी है। उसके अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट वेराइटीज होती है, जिसे हम अलग अलग तरीके से इंजॉय करते हैं। साउथ इंडियन फूड है, नो डाउट साउथ में काफ़ी फेमस है, पर हम नॉर्थ इंडियन भी इस फूड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और पसंद क्यों ना करें, ये होता ही इतना ज़्यादा यमी है। इसे हम काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में खाते हैं, जैसे मसाला डोसा, अनियन डोसा, और कहा जाए तो काफ़ी सारे डोसा में आपको वेराइटी मिलती है। इसकी सबसे बेस्ट यूएसपी होती है इसका सांभर। सांभर को काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर इमली, इसके अंदर टमाटर की काफ़ी सारी खटाई डाली जाती है इसको बनाने के लिए। पूरी साउथ इंडियन फूड एक ऐसा फूड है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। इसको हेल्थ के अकॉर्डिंग भी हम खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होता, और इसके साथ सर्व होने वाली चटनी, जी हाँ कोकोनट चटनी भी काफ़ी ज़्यादा यम्मी होती है। वैसे तो सांभर डोसा या फिर साउथ कुजीन को साउथ में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, और कहते हैं कि इसको इनोवेट भी साउथ में ही किया गया था। पर इससे जुड़ी एक कहानी और है, वो मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि शिवाजी, जी हाँ हमारे ग्रेट वॉरियर, उन्होंने इस डिश को इनोवेट किया था किसी को इम्प्रेस करने के लिए। जी हाँ, कोई गेस्ट उनके आ रहे थे, उनको इम्प्रेस करने के लिए इस फूड को बनाया गया था। वेल फूडीज, ये कितना सच है कितना झूठ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। साउथ इंडियन फूड होता है काफ़ी ज़्यादा यमी, और मैं तो कहती हूँ कि इसको आप ऑल द टाइम इंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ है एक फैमिली जो पार्टी शार्टी करते नजर आ रही है, तो सबसे पहले मैं हेमलता जी से जानूंगी। हेमलता जी, मुझे ये बताओ कि घर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, या बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है? आजकल तो बाहर का खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, फास्ट फूड। और ये सब बच्चे आए हुए हैं छुट्टी में, तो सबकी गैदरिंग यहाँ पे करके खाना बहुत अच्छा लग रहा है सबको। अच्छा, अभी आपने कहा कि समर सीज़न है, छुट्टियों में सब लोग साथ में आए हुए हैं, तो साथ में आप सब लोग इन्जॉय करें, तो ये बता दीजिए कि मतलब एक ऐसा फूड जब भी आप बाहर आती हैं तो वो आपको ऑर्डर करना ही है, वो डोसा है। मेन ये डोसे जितने भी प्रकार के हैं सभी खाए हैं, अभी सबने खाए हैं, तो ज़्यादा पसंद डोसा है। अच्छा हेमलता जी, मुझे एक बात बताइए कि बाहर आना ज़्यादा अपने फैमिली के साथ अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ? नहीं, फैमिली के साथ अच्छा लगता है, हम जहाँ भी जाते हैं जब तक फैमिली कंप्लीट ना हो तब तक जाते हैं। फूडी इस वक्त मेरे साथ है रचना जी, तो रचना जी से सबसे पहले जानते हैं कि वो कितनी फूडी हैं। रचना जी ये बताओ, फूडी कितने हो? कुछ खास नहीं, वो मेरी सेहत से लग रहा है। बाकी तो साउथ इंडियन बहुत पसंद है, मसाला डोसा यहाँ का हर वैरायटी बहुत, हमने सब टेस्ट कर रखा है, सब बहुत बढ़िया है। आपने कहा आपको साउथ इंडियन कुजीन ज़्यादा पसंद है, तो साउथ इंडियन कुजीन के अंदर आप सिर्फ मसाला डोसा लेना ही प्रेफर करती है, या साउथ इंडियन कुजीन की हर चीज़ ट्राई करती है? ट्राई करी है, यहाँ की सभी चीज़ों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, और हम तो बार बार आते रहते हैं यहाँ।
बार बार आते रहते हो, ये तो आपने खुद ही बता दिया। आपकी हेल्थ को देखकर भी लग रहा है कि आप बार बार आते रहते हो। तो चलो ये तो बता दो कि बाहर ज़्यादा खाना पसंद करते हो या घर में बना के खाना ज़्यादा पसंद करते हो? वैसे तो आजकल बच्चों को बाहर का ज़्यादा पसंद होता है तो आना ही पड़ता है, पर हम ठीक है दोनों तरफ एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा भी है वैसा हो जाता है। वक्त हमारे साथ है हेड ऑफ द फैमिली, तो इनसे जानते हैं इन्हें घर का खाना ज्यादा पसंद है या बाहर का। नहीं, घर का तो रोज ही खाते हैं, घर का तो खाना अच्छा होता है, पर मेरे को कभी कभी जब मैं जाता हूँ तो बाहर का भी खाना खाता हूँ। बाहर के खाने में जो नॉर्थ इंडियन खाना है वो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मेरे को थोड़ी बीमारियाँ भी हैं तो ये ज़्यादा वैसी चीज़ स्पाइसी वगैरह नहीं खाता। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपको आंटी के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है या फिर बाहर के हाथ? नहीं, आंटी का खाना तो पसंद है ही, पर जब मैं बाहर जाता हूँ तो बाहर का खाना वहीं खाता हूँ जब मेरे को पसंद आता है। अब जैसे ये सागर रत्न है, इसकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, तो मैं जो है और होटलों में जाने के बजाय अब मैंने सागर रत्न में ही आना शुरू कर दिया। फूडीज इस वक्त मेरे साथ है नेहा, तो सबसे पहले अब नेहा से जानेंगे वो फूडी है या चूजी है। मैं बहुत चूजी हूँ फूड में, साउथ इंडियन मेरा फेवरेट फूड है और सागर रत्न का साउथ इंडियन सबसे बेस्ट है। जितने भी रेस्टोरेंट्स में गई हूँ मैं, साउथ इंडियन सागर रत्न का मेरा फेवरेट है। आपने कहा कि आप चूजी हो, अपना फूड काफ़ी मतलब सोच समझ के खाती हो, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि मतलब कौन सा फूड ऐसा है जो मतलब बहुत पसंद है जिसे आप एनी टाइम खा सकते हो? डोसा, मसाला डोसा मेरा फेवरेट। मतलब कहा जाए तो आपको साउथ इंडियन कुजीन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब साउथ इंडियन कुजीन में सिर्फ आपको डोसा ही पसंद है या फिर साउथ इंडियन कुजीन का हर फूड आपको बहुत अच्छा लगता है? नहीं, मोस्टली डोसा, इडली और उपमा फेवरेट है मेरा। इस वक्त मेरे साथ है नीतू जी, जिन्हें देखकर ही लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फूडी हैं, तो उनसे जानते हैं। नीतू जी ये बताओ कि सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? एनीथिंग जो स्पाइसी हो, टेस्टफुल हो, कुछ भी, तो वो अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी खा लेते हो, मतलब बस आना चाहिए खाना हमारे पास। नहीं नहीं, टेस्टफुल भी होना चाहिए, ऐसे बिना टेस्ट के तो कैसे खाया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मुझे अब ये बता दो कि बाहर जाके खाना ज़्यादा पसंद करते हो या घर में खुद बना के खाना पसंद करते हो? नहीं, घर में भी बनाते हैं लेकिन ओकेजनली बाहर भी जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छा लगता है, नहीं तो फिर सारा दिन किचन में ही निकल जाएगा ना लेडीज़ का। अच्छा मतलब जो हमारे सर हैं, जो हमके हबी हैं, वो भी आप जितने फूडी हैं या फिर वो चूजी हैं? नहीं, वो बहुत चूजी हैं, वो लिमिटेड खाते हैं कि नहीं ये नहीं खाना है वो खाना है, वो बहुत चूजी है। तो नीतू जी मतलब ऐसा कोई कि मतलब आप अपनी फैमिली के साथ बाहर हैंग आउट करना ज़्यादा पसंद करते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ? नहीं, फैमिली के साथ ज़्यादा मज़े आते हैं क्योंकि हम लोगों की बड़ी फैमिली है, सब लोग एंजॉय करते हैं, बच्चे भी सब बराबर हैं तो वो एंजॉय करते हैं, हम लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं। फूडीज इस वक्त मेरे साथ है हर्षित, बड़ा क्यूट सा बच्चा, तो सबसे पहले से जानूंगी कि मम्मी के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है या बाहर का? मम्मी का पसंद है, पर मम्मी से मैं कभी कभी ज़िद करता हूँ बाहर खाने के लिए। अच्छा, कभी कभी ज़िद करते हो बाहर खाने के लिए, तो बाहर क्या खाना पसंद है? डोसा, डोसा और वैसे कुछ भी खा लूँगा वैसे। और अच्छा, वैसे कुछ भी खा लोगे पर फेवरेट तो डोसा ही है, बाहर आके डोसा खाना बहुत पसंद है। अच्छा ये बता दो कि अपने फ्रेंड्स, अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के साथ बाहर आना पसंद है या फिर मम्मी पापा के साथ बाहर आना पसंद है? फ्रेंड्स के साथ। फूडीज इस वक्त मेरे साथ है राजेश जी, जो ऑफिस आवर्स के अंदर अपना लंच एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। तो राजेश जी मुझे ये बताइए कि आप मोस्टली लंच बाहर लेना प्रेफर करते हैं या फिर आप घर का लंच लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं?
मैम जब पॉसिबल होता है घर पे लेना तो घर पे लेते हैं, अदरवाइज जैसे ही आउट ऑफ हाउस होते हैं तो बाहर लेते हैं। अभी भी जैसे हम लोगों की मीटिंग है यहाँ पे तो हमने यहीं पे प्रेफर किया, हमने सुना कि भाई यहाँ का खाना अच्छा है तो हम यहाँ पे खाना लिया। राजेश जी बाहर खाते हैं तो ऐसा कौन सा फूड है जो आप खाना मोस्टली प्रेफर करते हैं? बाहर खाते हैं तो साउथ इंडियन फूड ही हम प्रेफर करते हैं। साउथ इंडियन फूड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आप मोस्टली साउथ इंडियन के अंदर सिर्फ कुछ कुजीन ही ट्राई करते हैं या आपने मोस्टली साउथ इंडियन के हर कुजीन ट्राई किया है? ऑलमोस्ट हर कुजीन जो साउथ इंडियन का होता है। आज हमें नया साउथ इंडियन मतलब थाली देखने को मिली, अदरवाइज तो इडली डोसा सांभर यही साउथ इंडियन फूड में शामिल था, लेकिन आज थाली साउथ इंडियन ये भी हमने अच्छा एंजॉय किया। मतलब आज आपने कुछ यूनिकनेस ट्राई करी है साउथ इंडियन फूड में। फूडीज इस वक्त मेरे साथ है सागर रत्न के ओनर मनोज जी। तो सबसे पहले मैं मनोज जी से जानूंगी वो हमारे जयपुर राइट्स के लिए क्या स्पेशल करते हैं। मैडम जयपुर राइट्स के लिए हम सागर रत्न यहाँ पे दिल्ली की फेमस चैन लेकर के आए हैं जो साउथ इंडियन डिशेज के लिए फेमस है और जयपुर का पहला ऐसा आउटलेट है जहाँ साउथ इंडियन डिशेज साउथ इंडियन फूड्स आपको अवेलेबल हो रहा है। हम लोग यहाँ पे जयपुर राइट्स के लिए फैमिली डोसा लेकर के आए हैं जो 4 फीट लॉन्ग नेवर एंडिंग फैमिली डोसा के नाम से फेमस है और सागर रत्न में ही फैमिली डोसा प्रमोट किया जाता है, अदरवाइज ये कहीं नहीं मिलता। और इसकी जो लंबाई होती है 4 फीट है वो, और ये 4 to 8 पर्सन यानी फैमिली में अगर कोई 4 to 8 पर्सन आ रहे हैं तो उनके लिए ये मतलब कंप्लीट फूड है अपने आप के लिए। मनोज जी अभी आपने बोला नेवर एंडिंग फैमिली डोसा, ऐसा डोसा मैंने तो कभी सुना नहीं, काफ़ी यूनिक है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैडम सागर रत्न का स्पेशल डोसा है ये लोग हमारे ये सिर्फ ये डोसा सागर रत्न में ही प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, अदरवाइज ये आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये अपने आप के अंदर यूनिक है। ये प्लेन डोसा है, इसके अंदर हम लोग जो मसाला वगैरह जो है वो सब सेपरेट आता है एंड बहुत अच्छा है और यहाँ पे सब लोग जयपुर राइट्स बहुत इसको पसंद कर रहे हैं और ये हमारा सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है। मनोज जी साउथ इंडियन फूड की USP होती है उसके स्पाइसेस, उसके मसाले, तो आप यहाँ पर कौन से स्पाइसेस यूज़ करते हैं अपने डोसे के अंदर? मैडम ये हमारा होममेड खुद का मसाला प्रिपेयर होता है और ना हम इसको ज़्यादा स्पाइसी करते हैं एंड ना ही इसको हम स्पाइस से कम लेके आते हैं, ये बिल्कुल बराबर होता है। इसको मतलब छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक सब जने इजीली ले सकते हैं, ईट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर और अभी तक कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं। माथुर जी एक्चुअली मुझे है ना काफ़ी स्पाइसी फूड पसंद है, तो मैं साउथ इंडियन में भी अगर मैं चाहूँ मुझे स्पाइसी मिले तो क्या आप साउथ इंडियन में ऐसी कोई वैरायटी होती है डोसे के अंदर जो काफ़ी स्पाइसी हो? यस मैम हमारे पास है स्पाइसी डोसाज हैं जिसमें हमारे अलग है मैसूर मसाला डोसा है, रवा ऑनियन मसाला डोसा है, वो स्पाइसीज है तो वो नॉर्थ इंडियन जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते तो उनके लिए वो चीज़ अवेलेबल है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने जयपुर राइट्स के लिए काफ़ी सारा वैरायटीज के अंदर डोसे प्रोवाइड करवाए हैं। यस मैम हमारे पास डोसाज की बहुत वैरायटीज हैं और बहुत चल रहा है और बहुत अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं जयपुर राइट्स और आगे भी करेंगे और इसमें हर प्रकार के डोसाज हैं, स्पाइसी भी है, नॉन स्पाइसी भी है, बच्चों के लिए चीज़ डोसा है जो हमारा यहाँ पर फेमस है, चीज़ डोसा बहुत बच्चे पसंद कर रहे हैं और बड़े लोग भी पसंद कर रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा है। फूडीज चीज़ डोसा, बच्चों को चीज़ कितनी पसंद होती है, बच्ची के हम फूडीज़ को भी चीज़ कितनी पसंद होती है, काफ़ी यूनिक डोसा है चीज़ डोसा। तो सबसे पहले माथुर जी मुझे ये बताइए चीज़ डोसा एक्चुअली मतलब कैसे बनता है, क्या है इसकी यूनिकनेस? मैडम ये चाइनीज़ के साथ बनता है, जैसे इसमें कुछ नूडल्स का पार्ट आता है और ये स्प्रिंग रोल डोसा और चीज़ डोसा, इसमें चीज़ अलग से डल करके आता है और बहुत बहुत स्पेशल है ये, आप एक बार टेस्ट करिए आपको मालूम पड़ेगा। फूडीज इस वक्त मेरे साथ है सागर रत्न के मैनेजर सुभाष जी। मैं सुभाष जी से जानना चाहूँगी, सुभाष जी एक्चुअली मैं मुझे स्पाइसी फूड खाना बड़ा पसंद है, पर जब भी मैं साउथ इंडियन कुजीन खाने जाती हूँ या फिर साउथ इंडियन फूड ट्राई करती हूँ तो वो इतना स्पाइसी नहीं होता। आपके यहाँ के यूनिक USP है कि आप यहाँ पे स्पाइसी फूड भी प्रोवाइड करवाते हैं, स्पाइसी डोसा प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए। जी हाँ स्पाइसी खाने वाले लोगों के लिए हमारे पास स्पाइसेस के कुछ स्पेशल डोसा बनाए जाते हैं जिसमें मैसूर मसाला डोसा,
होता है साथ में, जिसके अंदर हम इंडियन स्पाइसेस लाइक रेड चिलीज को लेके बनाते हैं, तो उसमें स्पेशल जो मसाला तैयार हो जाता है जो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है। सो स्पाइसी खाने वाले लोगों के लिए मैसूर मसाला डोसा जो होता है एक सबसे अच्छी चॉइस होती है। एंड ये हमारा इस राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे बिकने वाला सबसे ज़्यादा स्पाइसी डोसा है, जिसे मैसूर मसाला डोसा हम लोग कहते हैं। मैसूर मसाला डोसा जो कि कॉम्बिनेशन के साथ तैयार हुआ है रेड चिली, रेड चिली वैसे हमारे राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इसके अंदर रेड चिलीज के साथ और क्या स्पाइसेस डलते हैं? रेड चिलीज के साथ इसमें हम इंडियन स्पाइसेस के रूप में जिंजर गार्लिक भी यूज़ करते हैं, जो हम उसके टेस्ट को और इन्हेंस करता है एंड साथ में जो स्पाइसीनेस होती है उसको और भी बढ़ाता है, जिससे ये मोर स्पाइसी एंड टेस्टी हो जाता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इस डोसे को, अगर स्पाइसी खाना लोग पसंद करते हैं यहाँ पे। तो फूडीज़, अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है और साउथ इंडियन कुजीन भी पसंद है तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप मैसूर मसाला डोसा ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने ट्राई किया यहाँ का मैसूर मसाला डोसा, नो डाउट काफ़ी यमी है क्योंकि मुझे काफ़ी स्पाइसी फूड पसंद है और इसके अंदर फुल ऑफ स्पाइस है। इसका सांभर के अंदर आपको काफ़ी सारे वेजिटेबल्स नज़र आएंगे, उनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यमी है। बात करूँ मेरे फेवरेट कोकोनट चटनी की, वो तो नो डाउट सबसे ज़्यादा यमी है क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है और उसे काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया भी जाता है और इसमें कोकोनट का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। वेल फूडीज, अब मैं तो इन्जॉय करूँगी मेरा मैसूर मसाला डोसा और अब आप मुझे तो दीजिए इजाज़त। तब तक हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ खाते रहो।